हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो दोस्तों आइए आज के हाउस प्लान की बात कर लेते हैं। आज का हाउस प्लान 15x60 फीट का है और 900 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। अगर इसके गज में बात करें तो ये 100 गज का प्लॉट है। इसी के साथ अगर इसके कॉस्टिंग की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट आपको 28 से 30 लाख रुपए तक की आ सकती है। इसी के साथ हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ हम दोस्तों वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही आप सामने देखेंगे, सामने की तरफ आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाता है। तो पार्किंग एरिया के साथ आपको एक थोड़ा सा ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ अगर आप आगे की तरफ देखें आपको एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हाउस के एंट्रेंस पर आपको एक स्पेशियस ड्राइंग रूम देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है और इसी के साथ सामने की तरफ आपको एक टीवी पैनल भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम ड्राइंग रूम से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टेयरकेस एरिया देखने को मिल जाएगा। स्टेयर के नीचे आपको एक स्टोरेज की जगह मिल जाती है और एक साइड में आपको एक छोटी सी वैनिटी देखने को मिल जाएगी। हाँ तो दोस्तों अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सामने की तरफ आप हमारे घर का एक सुंदर किचन देख सकते हैं। आप इसके सीलिंग डिजाइंस देख सकते हैं और जो हमारे घर का ये किचन है हमने इसको भी स्पेशियस रखा है ताकि आपको इस किचन में काम करने में कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। इसी के साथ हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम में। आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए और इसी रूम के साथ आपको अटैच ओटीएस मिल जाएगा और इसी ओटीएस से जो हमारे हाउस के अंदर का एरिया है इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। आपको वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रूम के साथ ही आपको वॉक-इन क्लोजेट देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। अभी बारी है हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की, तो हम स्टेयर से होते हुए हमारे फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। तो अभी हम हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ गए हैं और फर्स्ट फ्लोर के सामने की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक फ्रंट में बेडरूम देखने को मिल जाएगा। आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है और सामने की तरफ आपको एक बालकनी भी देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम बालकनी से होते हुए हमारे हाउस के फैमिली लाउंज एरिया की तरफ चलेंगे। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सोफ़ा का एक अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इस जगह को इस्तेमाल में ले सकते हैं। अभी बारी है हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की। आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल व्यू और इसके साथ भी आपको ओटीएस अटैच मिलेगा जो कि हम आपको ऊपर दिखाएंगे
और इसी के साथ आपको एक वॉकिंग क्लोजेट देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा सेम नीचे की तरह ऊपर आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। तो ये आ गया हमारे हाउस का स्टेयर एरिया, जो हमें हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर की तरफ लेके जाता है। सेकंड फ्लोर का आप देख सकते हैं, आपको ऊपर भी एक बेडरूम देखने को मिल जाएगा। और ये हमारे हाउस का फोर्थ बेडरूम है और आप इस बेडरूम का देख सकते हैं, इसका ओवरऑल डिज़ाइन। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं। और बेडरूम के साथ आपको एक टॉयलेट अटैच मिल जाता है और इस रूम के साथ आपको एक बालकनी भी देखने को मिल जाती है। अभी बारी है हमारे हाउस के टेरिस एरिया की। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको एक परगोला देखने को मिल जाएगा और इसी के नीचे आपको एक अच्छी सिटिंग देखने को मिल जाती है। और जो हमने इसके ओटीएस की बात की थी, ओटीएस को आप ऊपर से देख सकते हैं। अगर आप इस जगह पे अपने हिसाब से कुछ गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।